एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बदायूं के ब्लॉक इस्लाम नगर में स्थित जसुपुर गांव पड़ा। वर्तमान में गांव की प्रधान सर्वेश कुमारी हैं। लगभग 2500 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 6 किलोमीटर ही है। लगभग 1000 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव में लगभग 200 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी स्कूल में भी छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 10 हैंडपंप गांव के प्रधान द्वारा लगवाए गए हैं तथा 20 हैंडपंप सरकार से और लगवाने की मांग है। इसी के साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 40 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर, 9 सोलर लाइटें भी गांव में लगवाई गई हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसीटाइज रोड, खडंजे, तालाब की बाउंड्री, स्कूल की बाउंड्री, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, बस स्वच्छ भारत मिशन के तहत 123 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसीटाइज रोड, स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट, बारात घर, जूनियर हाई स्कूल, पंचायत घर, पानी निकासी के लिए नाला, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम प्रधान प्रधानपति लंते से यादव, गांव जसूपुर, ब्लॉक इस्लाम नगर, जिला बदायूं। जो मुझे सरकार ने धन दिया वो मैंने ईमानदारी से काम किया। यह मुझे सरकार ने धनराशि दी उनका काम मैंने ईमानदारी से किया। स्कूल का, कच्ची सड़कों का, मिट्टी खिंजे का, स्कूल की बाउंड्री का और गांव की लेटरिन का सब काम मैंने ईमानदारी से किया है। मेरे गांव में पंचायत घर नहीं है, शमशान घाट नहीं है और पंचायत घर नहीं है, शमशान घाट नहीं है। जो मैंने लाइटें लगाई हैं उनका पेमेंट नहीं आया है। लेटरिन बनवाई है उसमें कहा कहते हैं पेमेंट आधा नहीं आया है, आधा आया है। आप कहा कहते मुझे पैसे दें, मेरा इतना मौका नहीं है जो कि मैं अपने घर से पेमेंट लगा के और सब गंदगी गांव की हटाऊं।